हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मुख्यमंत्री ने किया गुरुनगर जोधपुर का तूफानी दौरा, पाक विस्थापितों को श्रद्धांजलि दी, कोरोना को लेकर बैठक ली, बहन से बंधवाई राखी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करीब 4.5 माह के अंतराल से बुधवार को अपने गुरुनगर जोधपुर पहुंचे। यहां उन्होंने राजनीतिक व्यस्तताओं के बीच तूफानी दौरा किया। उन्होंने हाल ही में देचू में एक साथ 11 पाक शरणार्थियों की हुई असामयिक मौत पर श्रद्धांजलि अर्पित की, साथ ही कोरोना को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक भी ली। उन्होंने अपनी बहन से राखी भी बंधवाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजकीय विशेष विमान से जैसलमेर से जोधपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखते हुए उन्होंने कार्यकर्ताओं का अभिनंदन स्वीकार किया। इसके बाद वे सीधा पाक विस्थापितों से मिलने के लिए गंगाना रवाना हो गए। वे सड़क मार्ग के जरिए गंगाना रोड स्थित अलकोसर नगर पहुंचे, जहां पर हाल ही में देचू में 11 पाक शरणार्थियों की हुई असामयिक मौत को लेकर आवश्यक फीडबैक लेने के साथ ही दिव्यांगत आत्माओं को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गहलोत ने सभी लोगों की आकस्मिक मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। इसके बाद उन्होंने शहर में दिनों दिन बढ़ रही कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या को लेकर चिंता जताते हुए अधिकारियों के साथ कोविड-19 समीक्षा बैठक ली। कलेक्ट्रेट स्थित DRDA सभागार हॉल में आयोजित बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मेडिकल कॉलेज व CMHO के अधिकारी भी उपस्थित थे। उन्होंने अपने ही गुरुनगर में दिनों दिन बढ़ रहे संक्रमण के मामलों पर चिंता जताई और अधिकारियों को उन्हें नियंत्रण करने के निर्देश दिए। उनके साथ चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा भी थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर दौरे के दौरान समय निकालकर अपनी बहन विमला देवी से राखी बंधवाई। वे हर साल रक्षाबंधन पर अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए जोधपुर आते हैं, लेकिन इस बार रक्षाबंधन पर वो राजनीतिक व्यस्तता के बीच जोधपुर नहीं आ पाए थे, इसलिए आज जोधपुर आने पर वो लाल सागर स्थित अपने छोटे भांजे जसवंत सिंह कछवा के निवास पर पहुंचे। वहां अपनी बड़ी बहन विमला देवी के पांव छूकर आशीर्वाद लिया, उनकी कुशल क्षेम पूछी। इसके बाद परिवार के मौजूद सदस्यों से मिले। मुख्यमंत्री को उनकी बहन विमला देवी ने राखी बांध मुंह मीठा कराया। इसके बाद बहन ने मुख्यमंत्री को प्रदेश की जनता की सेवा करने का आशीर्वाद भी दिया। कोरोना जंग को जिस प्रकार राजस्थान प्रदेशवासियों ने मिलकर लड़ा है, वो एक मिसाल बन गया देश के अंदर। पूरे मुल्क में राजस्थान की चर्चा हो रही है, क्योंकि जो भीलवाड़ा मॉडल बना वो भी राजस्थान सरकार ने नहीं बनाया था, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से वहाँ के अधिकारियों ने खुद ने कहना शुरू किया कि भीलवाड़ा में जो कंटेनमेंट किया गया, कर्फ्यू लगाया गया टाइम पर, और हर घर का सर्वे किया गया, स्क्रीनिंग की गई हर व्यक्ति की, 14,000 लोग आए स्क्रीनिंग के अंदर, सिम्टम दिखे कुछ खांसी जुकाम के, इलाज शुरू हो गया। और कंटेनमेंट के अलावा जो क्वारंटाइन किया गया, होम क्वारंटाइन बड़े रूप में किया गया, संस्थागत क्वारंटाइन किया गया, तमाम तरीके ऐसा मैनेजमेंट हुआ जिसकी तारीफ सभी हुई। वो मॉडल बन गया पूरे देश के लिए, प्रदेश के लिए। और हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पहले कुछ नहीं था, टेस्टिंग के लिए भी पुणे दिल्ली भेजते थे सैंपल। आज करीब लगभग 50,000 के लगभग हम पहुँचने वाले हैं पर डे टेस्टिंग के लिए। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से मुकेश शिमर की रिपोर्ट।